But going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah, brand new. तो हेलो गाइस, कैसे हो यार तुम लोग? होप तुम सब बढ़िया होंगे, तुम्हारा भाई भी बढ़िया है। तो आज है डे वन ऑफ माय समर वेकेशन एंड व्लॉग फोर। तो भाई छुट्टियां पड़ी नहीं भाई, उससे पहले होमवर्क मिल गया भाई। बोर्ड में बोर्ड क्लासेस का ना अलग ही झंझट है भाई, हालत खराब हो रखी है बोर्ड क्लासेस में आके। अब लगना नाइन्थ ही सही थी। चलो आज के इस वाले ब्लॉग में तो बहुत काम है, मैंने अपना काम भी निपटाना है, उसके बाद सवाल भी ला रहा है मुझे स्कूल का ही। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन 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 उससे पहले नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, प्लीज़ दबा दो, लाइक बटन भी दबा दो। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियोस पता है मुझे, बहुत कम बनाता हूँ, प्लीज़ यार। और आई थिंक सो अब ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे पहले से, बट चलो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ देखो भाई, यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है। पहले तो इंग्लिश के नोट्स बनाने हैं, क्लॉलेज वेट तो पता नहीं भाई। ये देख रहे हो पेजेस इतने सारे हैं, ये इन सब का करना है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट ये 40 पेजेस बनाने हैं भाई, हद से ज़्यादा। अभी तो मुझे पूरा लिखना है, पता नहीं मैंने क्या लिख रखा है, इसे छोड़ देना, बट अभी मुझे पूरा लिखना है तो लिखना शुरू करते हैं भाई, बहुत सारा काम है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Okay guys, चलो भाई आखिरकार आधा तो हो गया काम, आधा भी नहीं हुआ होगा, 0.1% ही हुआ होगा। एंड सिर्फ इस पेज को लिखने के लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात लाइन ऑलमोस्ट मेरे 15 मिनट चले गए सिर्फ इस सात लाइन को लिखने में। बहुत दिमाग खाया भाई, पहले यहाँ नहीं, पहले तो इनमें लिखी इन शॉर्ट डायरीज में और फिर उसके बाद लिखा इसमें, जिसमें बहुत टाइम लगा है। तो चलो थोड़ी सी 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं फिर आगे करते हैं। चलो भाई स्टार्ट। तो भाई मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है ना, इसका पार्ट मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये बहुत टाइम लगा था। पूछो मत, पूछना मत गलती से भी, बनाने में कितना टाइम लगा। 2 बार तो इसकी लाइन ही मेजर करने में टाइम लग गया, फिर भाई मैंने तो गलत स्केच उठाया, फिर पता नहीं भाई बहुत टाइम लगा। चलो आगे मैं अब इसके अंदर लिखना शुरू करता हूँ, फिर आउटलाइनिंग करने में थोड़ी देर में करेंगे वो, या अगले वीडियो में करेंगे। तो चलो भाई पहले लिखना शुरू कर दें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने आउटलाइनिंग तो कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो ये लाइंस है ना, इन लाइंस पे करना है एंड अगर कुछ भी गलती हुई ये पूरा मुझे वापस बनाने पड़ेगा और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद होने नहीं चाहिए भाई। मेरी हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं भाई क्या बोलूँ मैं। तो चलो भाई ओके। तो ये लाइन हो चुकी है, ये देखो अगर दिख रही होगी तुम्हें, बट इनमें कहीं कहीं डबलिंग भी हो चुकी है, वो बहुत माइनर है। ज़रा मैं ना अभी इसे इरेज करूँगा, प्लीज़ कोई गलती ना हो, इसे इरेज होने में कहीं मेस ना हो जाइए बस। ज़रा हल्का सा करके देखता हूँ। ओके अभी तक तो सही जा रहा है, ज़रा देखें। नहीं हुआ यार, मैस तो नहीं हुई है, नहीं हो रखी है यार मैस, ठीक है। चलो भाई इस पूरे को पहले मिटाता हूँ मैं। ओके चलो भाई हो चुका है। तो मैं लाइटनिंग ज़्यादा लग रही है क्या? कम कर दूंगा यार वो लाइटिंग में। चलो तो ये हो चुका है एंड बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आई है, मैं बताऊँ। ये देखो यहाँ पे पूरा ये पीछे बन चुका है एंड अगर जो मैं पिछला पेज लूँ ना तो वो ऐसे लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसे लगाता हूँ, इस पेज पे भी कुछ बनाऊँगा अभी मैं, तो रुको
जैसे अगर ये मेरा समझो पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, तो अगर मैं करूँगा ना तो ये बहुत गंदा लगेगा। लाइक ये यहाँ हो गया कि इसमें कलरफुल करने के बाद तो ये अच्छा ही लगेगा, बट जब यहाँ पे जाएगा ना ये देखो ये मैस हो जाएगा पूरा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ अच्छे से लाइक वो बनाऊँ, ऑथर की पिक्चर चिपका दूँ। बना तो सकते नहीं है, बना कर रखा है मैं तो, बहुत बड़ी सी ऐसे में पिक्चर चिपकानी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है यहाँ का। एंड इस जगह मुझे आई थिंक यहाँ पे ग्रीन ग्रीन नहीं सॉरी रेड और ऑरेंज आउटलाइन करनी है, वो मैं बाद में ही करूँगा। अभी के लिए तो भाई थोड़ा सा और काम करते हैं। काफ़ी है भाई काम, बस मुझसे नहीं हो रहा, शाम को ही करूँगा। अब पता नहीं क्या क्या लिखना है, मेरा मत्था फूट गया यार, सच्ची कह रहा, बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा अभी तो। मुझे पता नहीं भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रही है, एक ही चीज़ को अलग अलग शब्दों में बोल रहा है। लाइक पहले मुझे लिखना है अबाउट द ऑथर, थीम लिखनी है, समरी लिखनी है, फिर नेक्स्ट पोएट के बारे में लिखना, और पता नहीं और क्या क्या है भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। चलो भाई एक लंबा ब्रेक रहता है, और तब जब ट्यूशन जाऊंगा शाम को, फिर सामान लेते हुए आऊँगा, तब शुरू करिए। चलो भाई मौसम आ रहा है लेकिन धूप भी बहुत है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा इस धूप में यार, बहुत गर्म है आज। तो गाइस आखिरकार मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने वाइट शर्ट डाली है, बैक पैक है, ब्लैक कैप है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई अभी तो ट्यूशन जा रहे हैं, तो चलो भाई ओके गाइस। तो मैं ट्यूशन जा चुका हूँ एंड ऑलमोस्ट थक चुका हूँ भाई, हालत बहुत ख़राब है, देर में यहाँ पैदल पैदल बहुत थक चुका हूँ यार। तो आई थिंक यार तुम्हें व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, एंड बहुत टाइम लगा यार, जैसे एक सब्सक्राइबर एक लाइक तो बनता है, एंड तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।